दोस्तों भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच एशिया कप का फाइनल मैच खेला जा चुका है और दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम ने बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करके श्रीलंका की टीम को धूल चटाकर एशिया कप की खिताब को भी अपने नाम कर लिया है। जहां इस मैच में श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ क्योंकि श्रीलंका की बल्लेबाजी इस मैच में बेहद ही कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करके श्रीलंका की हालत ही खराब कर रखी थी। जहां शुरुआत में रेणुका सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और श्रीलंका की टीम ने केवल 10 ओवर में 27 रन ही बनाए थे और उनके 7 बड़े विकेट गिर चुके थे और श्रीलंका की हालत इस मैच में एकदम खराब हो गई थी। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम तो पूरे 20 ओवर तक नहीं खेल पाएगी, लेकिन जैसे तैसे श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर खेले और 65 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जहां श्रीलंका की तरफ से कोई भी खिलाड़ी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में जबरदस्त खेल दिखाया और रेणुका सिंह ने इस मैच में अपने 3 ओवर में 1 ओवर मेडल डालकर केवल 5 रन दिए और 3 बड़े विकेट अपने नाम किए थे। तो वहीं राजेश्वरी गायकवाड और स्नेहा राणा को भी 2-2 विकेट हाथ लगी थी और अब भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए केवल 66 रन बनाने थे। और जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में स्मृति मंधाना ने काफी विस्फोटक अंदाज में करवा दी थी क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम को बेहद ही कम रन बनाने थे और इसके ऊपर भारतीय टीम की शुरुआत इस मैच में लाजवाब अंदाज में हो गई थी। जहां एक तरफ स्मृति मंधाना तो शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन 32 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा और शेफाली वर्मा केवल 5 रन बनाकर आउट हो बैठी थी। तो वहीं इसके बाद भारतीय टीम को दूसरा झटका भी लग चुका था, लेकिन एक तरफ स्मृति मंधाना की बेहतरीन बल्लेबाजी के आगे ये झटके उनका कुछ नहीं कर पाए और इसके बाद भारतीय टीम ने ये मुकाबला केवल 9 ओवर में ही हासिल कर लिया था। और भारतीय टीम ये मैच लगभग 11 ओवर पहले और 8 विकेट के बड़े अंतर से ये फाइनल मुकाबला जीती है और भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना 25 गेंदों में 3 छक्के 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाकर नॉट आउट रही थी। तो वही हनमनप्रीत कौर भी 11 रन बनाकर नॉट आउट रही और इसी के साथ भारतीय टीम ने ये फाइनल मैच जीत कर एशिया कप की खिताब को अपने नाम कर लिया है और भारतीय महिला टीम इस एशिया कप को 7वीं बार अपने नाम कर चुकी है। जहां भारतीय महिला टीम ने इससे पहले 2004 से लेकर 2016 के बीच इस खिताब को अपने नाम 6 बार किया है, तो वहीं 2018 में भारतीय महिला टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी। जहां दोस्तों एशिया कप के फाइनल मुकाबले में रेणुका सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं दीप्ति शर्मा को इस पूरे एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ऐसे में दोस्तों अगर आप भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें